अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपके लिए करेले चना दाल की रेसिपी लेकर आई हूँ। अगर आप इस तरीके से चना दाल करेले बनाएंगे तो वो बिल्कुल भी कड़वे नहीं होंगे। आप एक बार इस रेसिपी को ज़रूर ट्राई करिए। आपसे रिक्वेस्ट है, अगर आपको रेसिपी पसंद आए मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर दीजिए। चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ मैंने आधी कटोरी चना दाल ली है। चना दाल को एक घंटे के लिए भिगो कर रख दें। अगर आपको जल्दी है बनाने की तो आप इसमें गर्म पानी डालकर आधे घंटे के लिए छोड़ दें। दाल को भिगोने से दाल जल्दी से गल जाती है। अब यहाँ मैंने करेले लिए हैं। करेलों को गोल शेप में काट लिया है और इसके अंदर एक से डेढ़ चम्मच नमक डालकर इसको अच्छे से मिला देंगे। करेले आधा किलो है, इसको मैंने बिना छिलके उतारे काटा है। आप चाहें तो करेले का छिलका भी उतार सकते हैं। करेले में नमक लगाने से ये फायदा होगा कि करेले बिल्कुल भी कड़वे नहीं लगेंगे खाने में। इसमें जितनी भी कड़वाहट होगी सब निकल जाएगी। अब करेलों में नमक लगाकर आधे घंटे के लिए इनको ऐसे ही छोड़ दें। अब हमें करना क्या है, करेलों को हाथों से दबाएंगे और इसमें जितना भी पानी है सब पानी को अच्छे से निचोड़ देंगे। इसी तरह आपको सारे करेलों को निचोड़ देना है। हमने जो करेलों में नमक लगाया था ये उसी का पानी है। नमक लगाने से करेलों में से सारी कड़वाहट निकल जाती है। जब ये करेले सारे अच्छे से निचड़ जाए, इनका सारा पानी निकल जाए, तो इन करेलों को दो से तीन बार अच्छे से वॉश कर लें। करेलों में हमने जो भी नमक लगाया था धोने से वो अच्छे से साफ हो जाएगा, सारा नमक निकल जाएगा। फिर इनको दोबारा से करेलों को निचोड़ लें। फिर एक छन्नी में इन करेलों को रख दें, इससे सारा पानी अच्छे से निचड़ जाएगा। हमें बिल्कुल सूखे हुए करेले चाहिए। अब यहाँ मैंने सरसों के तेल को कढ़ाई में गरम करने के लिए रख दिया था। तेल बिल्कुल तेज गरम होना चाहिए। अब इनके अंदर करेले डालेंगे और हाई फ्लेम पर इन करेलों को फ्राई करेंगे। करेलों को 10 से 12 मिनट तक तेज आंच पर ऐसे ही फ्राई करेंगे जब तक इनका कलर चेंज नहीं हो जाता और ये थोड़े से क्रिस्पी नहीं हो जाते। अगर करेले सूखे हुए होंगे तो वो जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और अगर करेले गीले होंगे तो उनको थोड़ा ज्यादा टाइम लगेगा फ्राई करने में। अगर आप चाहें तो करेलों में नमक लगाने वाला प्रोसेस एक दिन पहले भी करके रख सकते हैं। इससे क्या होगा, करेले अच्छे से सूख भी जाएंगे। जब आप इनको फ्राई करेंगे तो ये जल्दी से फ्राई हो जाएंगे और पकने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगेगा। अब इन करेलों को एक प्लेट में निकाल कर अलग रख देंगे। फिर उसी तेल में यहाँ मैंने एक चम्मच जीरा डाला है। जब जीरा थोड़ा सा पक जाए तो इसके अंदर हाफ स्पून कलौंजी डालेंगे और 1/4 स्पून मेथी दाना डालेंगे। फिर इन दोनों चीजों को कुछ सेकंड के लिए पकाएंगे। यहाँ मैंने प्याज को स्लाइसिस में काट के डाला है। ये ज्यादा बारीक कटी प्याज नहीं है, नॉर्मल प्याज काटी है मैंने छुरी से। ये आधा किलो प्याज है। जितने हमें करेले लेने हैं उतनी हमें प्याज लेनी है। और फिर प्याज को एक से डेढ़ मिनट तक फ्राई करें। प्याज को हमें सिर्फ सोटे करना है, ये थोड़ी सी सॉफ्ट हो जाए। इसका कलर चेंज नहीं करना और ना ज्यादा ओवर कुक करना है। करेले चने दाल की सब्जी में प्याज थोड़ी सी खड़ी खड़ी ही अच्छी लगती है। जब ये प्याज ज्यादा पकी भी होती है तो टेस्ट बिल्कुल भी अच्छा नहीं आता, इसलिए हम प्याज को ज्यादा नहीं पकाएंगे। अब इसके अंदर यहाँ मैंने एक बड़ा टमाटर लिया है। टमाटर को स्लाइसिस में काट कर डाल दिया है। फिर इसके अंदर एक चम्मच भर कर अदरक लहसुन का पेस्ट डालेंगे। हल्दी पाउडर डालेंगे 1/2 स्पून, रेड चिली पाउडर डालेंगे 1 स्पून और कोरिएंडर पाउडर डालेंगे 1 स्पून। इन सब चीज़ों को प्याज के साथ अच्छे से मिला लेंगे। मैं इसमें नमक डालना भूल गई थी। अब इसके अंदर यहाँ मैंने एक चम्मच नमक डाला है। आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालें। अब इस मसाले को लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनें जब तक मसाले से तेल अलग ना हो जाए और टमाटर सॉफ्ट ना हो जाए। लगातार चम्मच चलाते हुए मसाले को भूनें। मसाला भूनते टाइम अगर पानी की जरूरत है तो आप 1/2 कप पानी ऐड करके मसाले को भून सकते हैं। इस मसाले को कम से कम 10 से 12 मिनट तक लो टू मीडियम फ्लेम पर भूनना है। जब ये मसाले अच्छे से भून जाए तो इसके अंदर हम चना दाल ऐड करेंगे। दाल को मसाले के साथ अच्छे से मिला दें और फ्लेम को मीडियम कर दें। अब चना दाल को गलाने के लिए यहाँ मैंने गर्म पानी डाला है। यहाँ मैंने 1 गिलास के करीब पानी डाला है। पानी आपको ज्यादा नहीं डालना। गर्म पानी डालने से क्या फायदा होगा कि दाल अच्छे से गल जाएगी, इसमें ज्यादा टाइम नहीं लगेगा दाल को पकाने के लिए। अब इसको अच्छे से मिला देंगे और फिर ढककर इसे मीडियम फ्लेम पर दाल को पकाएंगे जब तक दाल अच्छे से गल नहीं जाती। आपको दाल को ज्यादा नहीं पकाना। मैं आपको दाल चेक करके बताती हूँ कि मैंने दाल को कितना पकाया है। देखा आपने, बस हमें दाल को इसी तरह पकाना है, इससे ज्यादा दाल को नहीं पकाना। अब इसके अंदर जो हमने करेले फ्राई करके रखे थे वो डाल देंगे। फिर इसको चम्मच से अच्छे से मिला देंगे।
इस सब्जी में चना दाल और प्याज थोड़ी सी खड़ी खड़ी अच्छी लगती है। इससे देखने में भी अच्छा लगता है और खाने में टेस्ट भी बहुत ही बढ़िया आता है। अब करेलों को ढककर मीडियम फ्लेम पर पकाएंगे। 1 से 1.5 मिनट तक ही इन करेलों को हमें चना दाल के साथ पकाना है। अब इस सब्जी में जितना भी पानी है हमें मीडियम फ्लेम पर इस पानी को सारा ड्राई करना है। अब इस सब्जी में यहाँ मैं अमचूर पाउडर ऐड करूँगी। यहाँ मैंने 1 चम्मच अमचूर पाउडर डाला है, यानी कि खटाई। आप चाहें तो इसके अंदर कच्ची आम को काट कर भी डाल सकते हैं या फिर आम का अचार भी इसके अंदर आप डाल सकते हैं। इन तीनों चीज़ों में से जो आपका मन करे वो इसमें ऐड कर दें। इसको हमें जब तक भूनना है इसमें से तेल अलग ना हो जाए और सारा पानी ड्राई नहीं हो जाता। ये सब्जी खाने में बहुत ही जबरदस्त बनती है। आप एक बार इस सब्जी को जरूर ट्राई करिएगा। मेरे घर में तो मेरे हस्बैंड को, मेरे बच्चों को तो बहुत ही पसंद आती है। जब भी बनाती हूँ बिल्कुल भी नहीं बचती, सफा चट हो जाती है। और फिर पूछते हैं, मम्मा ये सब्जी कब बनाओगी? इस चना दाल करेले को आप पराठे या रोटी के साथ सर्व करें। एक बार मेरे इस बताए हुए तरीके से जरूर बनाना। वीडियो पसंद आए लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलना। चलिए जल्द मिलते हैं मेरी एक और नई रेसिपी के साथ। जब तक दुआ में याद।